রেডি বুঝো হুম রোল মানে হুম আমন রোলিং হুম साधना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आप गाना रिकॉर्ड कर रही हैं, कुछ गाने के बारे में बताएंगी? जी हाँ, ये गाना है फिल्म रहनुमा द गाइड, फिल्म का नाम है, और ये मोहम्मद अजीज साहब और मेरा ड्यूएट है। ये पैट्रियाटिक सॉन्ग है, तो वतन के लिए जो गाना गाया जाता है, बहुत बहुत ही अच्छा लिखा है, एक बहुत अच्छे जज्बात से लिखा है मासूम सदरपुरी जी ने, और कंपोज किया है बहुत खूबसूरती से नौशाद अली राहत जी ने, और इस गाने को अरेंज किया है पॉल साहब ने। तो सब मिलके बहुत ही खूबसूरत एक गाना बन गया है, और वतन के लिए जो सबकी फीलिंग्स हैं कि हम सब एक हैं, वो भर के इस गाने में उभर के आई है। तो मुझे बहुत पसंद आया गाना जब मैंने रिकॉर्ड किया। साधना जी, 15 अगस्त भी आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, तो कुछ जुड़ी हुई यादें हैं, कोई गाना है जो बहुत दिल के करीब है आपके? बहुत सारे गाने ऐसे हैं कि जो 15 अगस्त में जो गाए जाते हैं वो दिल के करीब होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि 15 अगस्त हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, बहुत बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, और हर गाना जब उस वक्त गाया जाता है बहुत मन से, बहुत उमंग से गाया जाता है, और यही कोशिश की जाती है कि हमारे देश को स्वतंत्र हुए इतने साल हो गए, अब आगे बढ़ना है, और बहुत सब पूरी दुनिया में हमको प्रगति करनी है। साधना जी, आज गुरु पूर्णिमा है, तो कुछ कहना चाहेंगे गुरु पूर्णिमा किस किस किन्हें याद करती है आप गुरु पूर्णिमा के दिन? गुरु पूर्णिमा मतलब गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ही सब कुछ कहा है कि जिनकी वजह से संगीत की विद्या मैंने सीखी, मेरी मम्मी नीला घाणेकर जी, मैंने संगीत मातन पंडित जसराज जी से भी शिक्षा ली है, और फिल्मों में मुझे बहुत मार्गदर्शन किया कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई ने। तो उनके बारे में कुछ बताएंगे, कल्याण जी के बारे में? जी हाँ, उन्होंने बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाया है, बहुत सिंगर्स जिनके बहुत अब सबको मालूम है कि उन्होंने नए नए आवाज़ों को, प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया, उसमें मैं भी एक हूँ, उनकी स्टूडेंट कहती हूँ अपने आप को, क्योंकि संगीतकार जो सिर्फ उन्होंने गवाया नहीं तो संगीत और प्लेबैक सिंगिंग की टेक्निक भी सिखाई उन्होंने। साधना जी, काफ़ी सारे गाने हैं जिनको नए तरीके से बनाया जा रहा है, दिलबर आजकल काफ़ी छाया हुआ है, तो कितना अच्छा लगता है आपको ये सब देखने के लिए कि पुराने गानों को एक नया रूपांतरण दिया गया है? जी, अभी नया समय है, समय जैसे बदलता जाता है, गाने का रंग ढंग बदलता है, गाना वही है, कंटेंट वही है, उसको नए अंदाज में पेश करते हैं, तो जो नई जनरेशन है उनको भी गाना पता चलता है, गाना रिवाइव होता है, ऐसी मेरी सोच है। अभी इनसे होना चाहिए। सर, आपसे जाना चाहूंगी साधना जी के साथ आज रिकॉर्डिंग। आप इधर चेक।